नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। के न्यूज के खास कार्यक्रम देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे 41 श्रमिकों की बची जान, क्या हादसों पर लगेगा विराम। उत्तरकाशी के सिलकेरा टनल में पिछले 17 दिनों से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। 17वें दिन रेस्क्यू टीम ने सफलतापूर्वक टनल में फंसे सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया। सीएम धामी और केंद्रीय और राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने टनल से बाहर आने पर सभी मजदूरों का फूलमालाओं से स्वागत किया। सत्ता पक्ष की ओर से केंद्र और राज्य की इसे बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है, लेकिन सरकार ने सभी मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया है, जहां पर सभी मजदूरों का इलाज चल रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने टनल में फंसे सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी देने की घोषणा कर दी है। वहीं इस सफल ऑपरेशन से पूरे देश ने राहत की सांस ली। हालांकि इस सफल ऑपरेशन ने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए हैं। सवाल यह है कि आखिर इस टनल हादसे से हमने क्या सीखा, और कांग्रेस ने राज्य सरकार के सामने कई मांगे रखी है, जिसके तहत कांग्रेस ने सरकार से सबसे पहले टनल में फंसे मजदूरों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने, संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने, सभी निर्माणाधीन टनलों का सेफ्टी ऑडिट किए जाने की मांग की है। सवाल यह है कि सिलकेरा टनल हादसे से हमने क्या सबक लिया है, और आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। सिलकेरा टनल में पिछले 17 दिनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे 41 मजदूरों के लिए मंगलवार का दिन मंगलमय साबित हुआ। 17 दिनों के बाद रेस्क्यू टीम ने इन सभी को सुरक्षित निकाल लिया। सीएम धामी और केंद्रीय और राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने टनल से बाहर आने पर सभी को फूलमालाओं से स्वागत किया। सत्ता पक्ष की ओर से केंद्र और राज्य के इसे बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। वहीं सरकार ने सभी मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया है, जहां सभी मजदूरों का इलाज चल रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने टनल में फंसे सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा भी की है। इस सफल ऑपरेशन से पूरे देश ने राहत की सांस ली। सीएम धामी ने सभी का आभार व्यक्त किया। तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि और अभी भी उन्होंने, जैसे हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल से जानी है, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे, और विशेष कर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है, उसमें आदरणीय गडकरी जी बीच में आए, उन्होंने भी यहां पर हर तरीके से इसको देखा, और हमारे जनरल वीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि ये एक कैंप बनाकर लगातार यहाँ पर रहे, और एक दिन भी इन्होंने यहाँ से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ से कहीं बाहर जाऊँ, और इस कठिन काम को लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम, और पूरा हमारा यहाँ सभी एजेंसियाँ लगी हुई थी, वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से इस पूरे उसको उस पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं, सभी की समीक्षा भी करेंगे, और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है, जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए,
मैं उनको सब कुछ शुभकामनाएं देता हूँ उनके। वहीं 17 दिनों तक चले इस सफल ऑपरेशन ने अपने पीछे भी कई सवाल छोड़ दिए हैं। सवाल ये है कि आखिर इस टनल हादसे से हमने क्या सीखा और भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा न हो इसके लिए हमारी क्या तैयारी है। इन सभी सवालों के बीच कांग्रेस ने राज्य सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं, जिसके तहत कांग्रेस ने सरकार से सबसे पहले टनल में फंसे मजदूरों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने, संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने, सभी निर्माणाधीन टनलों का सेफ्टी ऑडिट किए जाने, निर्माण कार्यों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किए जाने की मांग की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी सरकार से राज्य में लगातार हो रहे हादसों से सबक लेने की मांग की है। तमाम तरह की मशीनें फेल हो गई, अंत में काम कौन आए? रेड होल माइनर्स। रेड होल माइनर्स को आपने क्या प्रोत्साहन दिया? आपने श्रमिक जो बच के आए 18 दिन का जीवन मृत्यु की इतने बड़े संघर्ष से 1-1 लाख रुपए उनको दिया। हमारा ये सवाल है सबसे पहला कि आप सबसे पहले बताइए कि कौन इसका जिम्मेदार था, इतनी बड़ी आपदा का उसके खिलाफ क्या कार्रवाई आपने करी? इस चकाचौंध में बचाव अभियान का श्रेय लेने की होड़ में, उसकी आड़ में नवयुग कंपनी को क्लीन चिट नहीं दी जानी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो अब तक नहीं हुई। दूसरा बिंदु, राज्य के अंदर जितने टनलिंग हो रही है सबका सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। नंबर 3, जो इस राज्य के अंदर जिन्होंने अभियान में, इस पूरे बचाव अभियान में सबसे नंबर 1 रेड होल माइनर्स, उसके अलावा जितने लोग शामिल थे उनको विशेष रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। श्रमिक जो फंसे थे उनको कम से कम 10 लाख रुपया राज्य की सरकार को देना चाहिए। सिलकारा टनल ऑपरेशन सफल हुआ, सभी 41 जिंदगियां बचाई गई, इसके लिए उन सबको जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शिरकत की हृदय की गहराई से बधाई। लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल आज भी खड़ा है कि न रैणी की आपदा से सबक लिया गया, न जोशीमठ की आपदा से सबक लिया गया, और न ही सिलक्यारा टनल हादसे के लिए जो दोषी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। जोशीमठ की आपदा में जिस तरह से NTPC को क्लियर चिट दी गई, ऐसे ही सिलक्यारा टनल हादसे के दोषी खुले आसमान में घूम रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि कंपनी के मालिक की पहुंच दिल्ली में जो सत्ता है उन तक है, कंपनी का मालिक दिल्ली की सत्ता से उनकी रक्षा कराने के लिए सक्षम है। तो ऐसे में जो ये घटनाक्रम हुआ या भविष्य में जो टनल बनेंगी क्या वो सुरक्षित होंगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल का समाधान राज्य की धामी सरकार को देना चाहिए, केंद्र की मोदी सरकार को देना चाहिए। पहले मैं आपके माध्यम से जो सिलक्यारा का वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक उत्तराखंड ने धामी जी के नेतृत्व में और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के त्वरित सहयोग से उसको सफलतापूर्वक पूरा किया है, और 41 जान बचाने में हम सब सफल हुए हैं, उसके लिए प्रदेश की जनता को भी बहुत बहुत बधाई। और हमारी ओर से जो मजदूर फंसे थे 41, वो कुशल बाहर आए हैं, उनके भी परिवारों को बहुत बहुत बधाई। कुल मिलाकर सिलक्यारा टनल से मजदूरों को बाहर निकालने का रेस्क्यू सफल रहा, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए भी इंतजाम किए जाने बेहद जरूरी है, जिससे सिलक्यारा जैसे हादसे दोबारा न हो। प्रदेश में अगले 10 सालों में करीब 66 टनल प्रस्तावित, पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर तेजी से काम हो रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से रेल परियोजना, सड़क प्रोजेक्ट और पावर प्रोजेक्ट शामिल है, जिसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर जगहों पर टनल का निर्माण कार्य किया जाना है। ऐसे में देखना होगा क्या समय रहते सरकार सिलक्यारा हादसे से कुछ सबक लेगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे को लेकर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है, सबसे पहले इनसे आपको हम रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ में आज रविंद्र कुमार जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में शीशपाल सिंह बिस्ट साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। हेमा भंडारी जी हमारे साथ में जुड़ चुकी है, वरिष्ठ नेता है आम आदमी पार्टी की ओर से, और शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता UKD की ओर से। AK बयानी साहब है, पूर्व प्रोफेसर भूवैज्ञानिक विशेषज्ञ है, कल भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा थे। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत रविंद्र जी के साथ में करेंगे। रविंद्र जी, एक लंबे इंतजार के बाद, 17 दिनों का लंबा इंतजार, रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीम्स लगी थी उनकी एक कड़ी मेहनत और इन श्रमिकों का एक बड़ा मनोबल बनाए रखना, यही वजह है कि ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो सका है। लेकिन बड़े सवाल अपने पीछे छोड़कर गया है, और वो ये कि आखिर ये कैसे हुआ, किसकी गलती थी, और आगे आने वाले वक्त में ऐसी गलतियां ना हो, क्योंकि
यातायात को सुगम बनाने के लिए कई परियोजनाएं हैं जो आने वाले वक्त में पूरी की जानी है, जिनमें टनल लगभग 66, मैं एक रिपोर्ट तैयार करी तो उसमें मैंने देखा कि 66 टनल ऐसी हैं जो आने वाले सालों में बननी है। तो ऐसे में इन टनल्स में ऐसी कोई दिक्कत ना हो, आने वाले वक्त में ऐसी कोई समस्या ना हो, इसको लेकर इस हादसे से क्या सीखा है सरकार ने? देखिए, हमारे लोगों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए, यहाँ तक कि पूरे देश के लिए एक बड़े सुखद पल है, बड़े सुखद समाचार है जो कल से लगातार हमारे बीच में है। और जिस प्रकार से तो विश्वास था, क्योंकि हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से 2014 के बाद से सरकार आई है, तब से हमने तमाम अपने लोगों को बचाने के लिए देश भर में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई सारे ऑपरेशन किए हैं। इस तरीके से जिंदगी बचाने के लिए, जिंदगी की कीमत क्या होती है, इसका भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी को बहुत अच्छे से पता है। और हम कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन में सफल हुए। तमाम ऐसी दिक्कतों के बाद, परेशानियों के बाद हमने वहां से हमने एक एक जिंदगी को सुरक्षित बाहर निकाला। आज वह स्थिति, आज भी मैं अभी दोपहर में कुछ चैनलों के माध्यम से सुन रहा था, और कई मेरे ऐसे जानकार भी हैं जो जिन्होंने मुझे जानकारी दी, सभी का स्वास्थ्य ठीक है। लगभग एम्स में उनके कई डॉक्टरों के पैनल के बीच में उनके स्वास्थ्य के लिए उनके रूटीन चेकअप है जो करे जा रहे हैं। तो बहुत बहुत जो है, सभी जितने भी इंजीनियर हो, टेक्नीशियन हो, मशीन ऑपरेटर हो, मजदूर हो, जितने भी ऐसे लोग, बाबा भूतनाथ हो, मंदिर के पुजारियों, स्थानीय लोग जिन्होंने दिन रात, स्थानीय लोगों ने वहां पूजा पाठ करी अपने तरीके से, जो जैसा कर सकता था उनके लिए, इंजीनियर, टेक्नीशियन, मजदूर, वैज्ञानिक, तमाम सेना के जवान, विदेश से आए हुए टेक्निकल एक्सपर्ट, वो जो लोग वो तो कर रहे थे, लेकिन तमाम लोग भी जो लोग थे अपनी श्रद्धा के हिसाब से, जैसा जिसका पड़ रहा था, वो इनकी बचाने के लिए दिन रात जो कुछ नहीं कर सकता था, वो भगवान से सिर्फ दुआई कर सकता था कि ठीक है भगवान, इनको सबको सुरक्षित बाहर निकाले। और देखिए, मैंने आपको जिक्र किया कि हमने कई सारे देश भर में ऐसे ऑपरेशन विदेशों में चलाए हैं, ऑपरेशन दिव्य शक्ति, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से निकाला, दिव्य शक्ति अफगानिस्तान से निकाला, ऑपरेशन रविंद्र जी मेरा सवाल आपने सही से या तो सुना नहीं था, या तो आपने मेरा सवाल सही से नहीं सुना था। रेस्क्यू टीम्स की हमने खूब तारीफ कर ली, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैंने सीख की बात की थी कि सर आगे आने वाले वक्त में ऐसे आपको रेस्क्यू ऑपरेशंस और ना चलाने पड़े, इसके लिए आपने इस हादसे से क्या सीखा है, या आप यही चाहते हैं कि इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशंस होते रहें? सवाल ये था। गरिमा जी, बिल्कुल, देखिए पहला तो यही था कि हमने जो लोगों की जिंदगी बचाई है उसको लेके सबका धन्यवाद करना, मेरे को लगता था कि वो जरूरी था। आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। देखिए, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने आज से 3 या 4 दिन या हफ्ते भर पहले एक, आपने अगर सुना होगा, बयान दिया था कि हमने सभी जितना भी उत्तराखंड में जो भी काम हो रहा है, टनल से जुड़ा हुआ हो या अन्य विकास कार्य जो पहाड़ पे हो रहे हैं, उनकी दोबारा से समीक्षा करवा दिए और दोबारा से कहीं ना कहीं एक्सपर्ट को लेके उनकी राय उनको रीचेक, जिसे कह सकते हैं आप, वो रीचेक हो रहा है अन्य एक्सपर्टों के माध्यम से। तो ये काम तो पहले ही दे दिया, और टनल के दोषियों को जांच के लिए पहले ही आदेश हो चुका। संभवतः जल्दी इसकी बीच में हमारे पता लग जाएगा कि ऐसे कौन लोग दोषी थे, कौन नहीं थे, और उनको सजा देने का, उनके साथ जो भी कानूनन रूप से जो भी पहलू बनेगा उस पर काम किया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस इसमें भी कहीं ना कहीं चूक कर गई, विपक्षी पार्टी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में कांग्रेस है, वो इसमें भी कंजूसी कर गई। अरे कुछ और समय ले लेते, कोई किसी और टाइम कुछ और इल्जाम लगाने का, इस समय पूर्ण रूप से एक अच्छे मन से बधाई दे देते कि सरकार ने पूरी योजनाबद्ध तरीके से जानों को बचाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया, उन जानों को बचा लिया। आज मेरे ख्याल से इनके जो अभी धस्माना जी का बयान सुन रहा था, इसमें कहीं ना कहीं कंजूसी हो गई। ये देश की जनता, प्रदेश की जनता, क्योंकि ये मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पे था,
आज कांग्रेस के इस बयान को सुन के मुझे जितनी शर्म आ रही है, देश की जनता भी उतनी ज्यादा अपने आप को शर्मिंदा महसूस करेगी कि कम से कम सर, आज के दिन को छोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए देखिए आप थपथपा लीजिए सरकार की पीठ, लेकिन मैं रेस्क्यू ऑपरेशन की उस टीम की पीठ थपथपाऊंगी जो इतने दिनों तक यहाँ पर लगी रही। मैं मानती हूँ सरकार का समर्थन सहयोग सब कुछ रहा, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस सरकार का ही प्रोजेक्ट था, इस सरकार का ही ड्रीम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था जिसके लिए काम कर रहे थे श्रमिक, और आपके काम के चलते, आपकी लापरवाही के चलते ये यहाँ पर फंसे थे। इस बात को मत भूलिएगा, वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या यूकेडी हो, सब किसी को, हर एक व्यक्ति को या प्रदेश की आम जनता हो, वो आपसे सवाल पूछने की हकदार है रविंद्र जी, और वो ये पूछ सकती है आपसे, वो ये पूछ सकती है आपसे कि आखिर ऐसा हुआ था। आज आप सबको लेकर अपनी बड़ी बड़ी, आप कह सकते हैं ना, आम भाषा में कहूं तो सरकार की पीठ आप थपथपा रहे हैं, बिल्कुल थपथपाइए, लेकिन उससे पहले ये भी सोचिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों था। गरिमा जी 10 सेकंड लूंगा मैं बिल्कुल आपकी बात के सारे सवालों के जवाबबाजी में, लेकिन मुझे एक चीज का उदाहरण और दे दीजिएगा कि अगर कोई ऐसा देश में इसके अलावा कोई ऐसा ऑपरेशन जिंदगी बचाने का हुआ हो तो मुझे कृपया करके वो रविंद्र जी प्लीज ये मुद्दा नहीं है, रविंद्र जी वो मुद्दा नहीं है। हमने कहा ना कि हम खूब तारीफें कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि केंद्र से, प्रदेश से, हर जगह से सपोर्ट मिला, एक रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, विदेश से आपने मशीनें मंगाई, एक्सपर्ट्स को बुलाया, मैं उस चीज की तारीफ कर रही हूं। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से मान रही हूं कि बहुत शानदार ऑपरेशन हुआ, मैं व्यक्तिगत तौर से आपकी तारीफ कर रही हूं, उस रेस्क्यू टीम की तारीफ कर रही हूं, समर्थन सहयोग की तारीफ कर रही हूं, लेकिन क्या सिर्फ यही जरूरी है? अगर आपके मेरे साथ आपके ही बीजेपी से जपेंद्र जी बैठ रहे थे अभी तक चर्चा में, लगातार हम सब इसको लेकर चर्चा कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि देखिए हमें, हमारे लिए एक लेसन है। क्या लेसन लिया ये भी तो सोचना होगा ना, हो गया रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा, ईश्वर की कृपा से सुरक्षित निकल आए श्रमिक, अब इस बात पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है जब हमें ये सोचना होगा ये आखिर हुआ कैसे था। ऐसा नहीं है कि आपने सुरक्षित उनको निकाल लिया तो हम ये बात छोड़ देंगे, ये घटना जो अपने पीछे न जाने कितने सवाल छोड़कर गई है, अब उन सवालों का जवाब तलाशने का समय है, ये बात आपको भी स्वीकारनी होगी। खैर आपके पास लौटेंगे, यूकेडी से प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं शांति प्रसाद भट्ट जी, कुछ कहना चाह रहे थे। शांति प्रसाद जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। गरिमा जी हाँ, उत्तरकाशी सिलक्यारा में 41 जान सुरंग में फंसी थी, इसमें कार्यदायी संस्था जो भी रेस्क्यू में थे उनको बधाई भी दी जा चुकी है, सरकार की पीठ भी थपथपाई जा चुकी है। मुख्य बिंदु ये है, जो सरकार ये कहती है कि प्राइवेट कंपनियों से काम इसलिए कराया जाता है के कार्यों में गुणवत्ता होती है, काम में तेजी आती है, इसीलिए सरकारी ढांचे को खत्म कर सारी संस्थाएं प्राइवेट के हाथ में देकर उत्तराखंड को जो है अनियंत्रित विकास की ओर थोपा गया है। अब उसके परिणाम देखिए गरिमा जी, इस एंगल पर अभी तक किसी ने बात नहीं कि मैं चाहता हूं कि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। यह कार्यदायी संस्था नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी है। अब इस कंपनी के जो मालिक हैं उसके कार्य करने वाले मजदूरों के साथ दुर्घटना घटी, कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि भैया सरकार को किसने आदेशित किया कि हम, हमारे मजदूर संकट में हैं, हम इसका सारा खर्चा उठाएंगे, हमारी मदद करो। मालिक ने लापरवाही करी, उसके मजदूर फंसे, बिना बुलाए पूरी उत्तराखंड से लेकर केंद्र की सरकार लग गई मजदूरों की जान बचाने के लिए आए, इसके लिए स्वागत योग्य कदम है। मैं पूछना चाहता हूं जिस कार्यदायी संस्था को करोड़ों अरबों रुपए केवल इस बात के दिए गए कि आप सुरक्षित मानकों के तहत उत्तराखंड में सुरक्षित सरकार को बना के दें, सरकार आफत में फंसना नहीं चाहती, ऐसे में 17 दिन में ना मालिक का पता, ना मालिक के इंजीनियरों का पता, और सरकार जिस तरीके से इसमें इंटरेस्ट लेकर कूदी उससे स्पष्ट दिखता है कि एक बहुत बड़े लाला को बचाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारों ने नाक का सवाल बना दिया। अगर ये सरकार आता है, मैं दूसरे बिंदु पे आता हूं, यदि ये सरकार आज जो 1-1 लाख रुपए मजदूरों को बांट रही है, नौटंकी कर रही है, मैं पूछना चाहता हूं अगर ये सरकार इतनी ईमानदार अपने मजदूरों के प्रति है तो 40,000 संविदा कर्मचारी उत्तराखंड में क्यों,
ये सुरंग के अंदर जो मजदूर गए, ये बिना बीमा के कार्य करने कैसे चले गए? दिवाली के दिन इनसे काम कैसे ले लिया गया? अगर इसका सवाल पूछा, इसका जवाब पूछा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक औकात नहीं है जो इस पर एक शब्द भी बोल जाए। हाँ, इमोशनल कार्ड खेलेंगे कि हमने मजदूर बचा लिया, हमने जो है ये का, अरे भाई एनडीआरएफ और लगी है और उत्तराखंड गवर्नमेंट इसमें लगी है, लापरवाही किसकी है? अभी तक उस अपराधी के खिलाफ एक शब्द मुख्यमंत्री के मुंह से ना निकलना, प्रधानमंत्री के मुंह से ना निकलना, और जो लोकल लोग थे जिन्होंने इनकी कार्यप्रणाली पे सवाल खड़ा किया, मैं कोड करके कह रहा हूं, डॉक्टर कपिल देव रावत जिन्होंने गडकरी को चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, हर संस्था को चिट्ठी लिखी के मानकों के खिलाफ यहां काम हो रहा है, एक भी चिट्ठी पर यदि मुख्यमंत्री कार्यालय संज्ञान लिया होता तो ये 41 मजदूर 17 दिन अपनी जान को जोखिम में ना डालते। हमारा ये कहना है, नवयुग इंजीनियरिंग के मालिक की चुप ये बताती है कि उसने यहां भ्रष्टाचार किया, मानकों की अनदेखी की, पहाड़ का सीना चीरा और उसके बाद दुर्घटना के बाद वो मैदान जंग से ऐसे गायब हुआ कि आप देख लीजिए, यदि कार्यदायी संस्था के डायरेक्टर, एमडी, मैनेजर, मालिक वहां पर होते तो हमको लगता कि भाई दुर्घटना हो गई, इनका भी दर्द है और ये भी साथ खड़े हैं। दर्द दिखा रहे मुख्यमंत्री जी, और अगर वाकई मुख्यमंत्री जी को मजदूरों का इतना प्यार है तो कल उत्तराखंड सरकार कैबिनेट में फैसला लेकर आए कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी संविदा कर्मचारी नहीं रहेगा, और कोई भी इस तरह का मजदूर जिसके अधिकारों पर डाका डल रहा है वो कंपनी पे ताले पड़ेंगे, हम इसकी जांच कराएंगे। जिसने कर्णप्रयाग रेल योजना के अंदर मानकों के अनुरूप काम नहीं किया होगा उसको जेल भेजेंगे। यदि मुख्यमंत्री जी इस तरीके का ऐलान करते हैं, सख्त बातें जो है वो करनी होंगी उसके बाद ही हम मानेंगे, वरना हम ये मानेंगे कि इस दुर्घटना में भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति करके अन्य जगह के चुनाव को प्रभावित करने के लिए उन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है। ठीक है, अगर ये पैसा, ठीक है, अभी देखिए रविंद्र जी से जवाब लेंगे, और भी कई सारे लोग हैं। यदि कंपनी से नहीं उगाया गया तो ये सरकारी धन का दुरुपयोग करके किसी लाला को लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस डिबेट से यह संदेश भी जाना चाहिए, यदि मालिक के ऊपर FIR नहीं दर्ज हुई तो ये राज्य, ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे इस पर विस्तार से और बातचीत होगी और जानेंगे कि आखिर इस हादसे से क्या सीखा है प्रदेश ने और सरकार ने, क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसे हादसे ना हो यही चाहते हैं हम लोग। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करें कि आखिर इस हादसे से सरकार ने क्या कुछ सीखा है, क्योंकि जिस तरीके से 17 दिनों तक लंबा इंतजार करना पड़ा श्रमिकों को, ये सुरंग के भीतर फंसे रहे एक बड़ा हादसा था। हालांकि गलीमत ये रही कि सुरक्षित इन सभी को बाहर निकाला जा सका। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शेषपाल सिंह बिष्ट जी के पास चलेंगे, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की ओर से। शेषपाल जी, कांग्रेस पर आरोप लगाने का आरोप लग रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि भाई विपक्ष में रहकर सरकार की कुछ चीजों की तारीफ कर देनी चाहिए। मैं मानते हूं इस बात को कि हर चीज का विरोध ठीक नहीं होता, लेकिन यहां पर जो मांगे कांग्रेस की ओर से उठाई जा रही हैं श्रमिकों के हित के लिए, उनमें गलती मुझे भी नजर नहीं आती है। फिर क्या वजह है कि कांग्रेस का सवाल उठाना अखर रहा है? करीमा जी, जहां पर सरकार की तारीफ करने वाली बात होगी तो हम निश्चित तौर पर तारीफ भी करते हैं। और आप देखिए कि कल हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने जब ये समाचार मिला कि रेस्क्यू ऑपरेशन आज पूरा हो सकता है, मजदूर जो है कुशलता से जो है बाहर आ सकते हैं, तो उन्होंने जो इस अभियान में लगी हुई सभी 18 एजेंसियां और ये रेड माइनस की टीम का हार्दिक रूप से धन्यवाद दिया, उनके परिजनों का धन्यवाद दिया। तो ये राज्य और केंद्र की एजेंसियां थी, सबका धन्यवाद हो गया। निश्चित तौर पर सबने जो है अतुलनीय योगदान दिया, लेकिन हम शुरू दिन से कह रहे थे कि भाई जो कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई दे रही थी उसी के कारण जो है इतना विलंब लगा, और 14 दिन के बाद जो गंभीरता जो है मिशन में दिखाई दी। आप देखिए, रेड माइनर्स की टीम को पहले दिन भी लगाया जा सकता था, सरकार लगातार 6 एंगल से जो है राहत और बचाव की बात करती रही, लेकिन उन एंगलों पर जब बहुत समय गुजर गया उसके बाद आप आगे बढ़े तो सफलता भी मिली, और सभी को प्रसन्नता है। भगवान केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी का आशीर्वाद है कि सभी मजदूर कुशलता से बाहर निकले। बाबा भोगनाथ की जय जयकार होनी चाहिए थी, लेकिन वहां किसी और की जो जय जयकार कल हो रही थी, ये
निश्चित तौर पर इस प्रकार के सवाल है जिनके जवाब भविष्य में भी सत्ता पक्ष को देने पड़ेंगे। लेकिन जो ज्वलंत मुद्दा है गरिमा जी, आप देखिए कि 17 दिन और आज 18 दिन हो गए हैं, 18 दिन तक अभी तक किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई है। ये पता नहीं लग रहा कि आखिर जवाबदेही किसकी है, किसी पर FIR दर्ज नहीं हुए, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हवाला दिया जा रहा है कि साहब राहत और बचाव कार्य चल रहा है, ऐसे में ये सवाल नहीं उठना चाहिए। भैया पुलिस का काम है जो है इन्वेस्टिगेशन करना, FIR करना, गिरफ्तारी करना, तो ठीक है। क्योंकि आप देखिए द वायर जैसी जो है रिपोर्टें आ रही हैं, जो है अभिसार शर्मा जी की रिपोर्टिंग जो है बहुत कुछ करती है, किसी और इशारा करती है, बहुत गंभीर आरोप लगे हैं कि जो है किसी चहेते ने जो है सारे शेयर जो है नवयुग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के खरीद लिए हैं और इसी कारण जो है बचने का मौका दिया जा रहा है, सबूतों से छेड़छाड़ करने का मौका दिया जा रहा है। और क्योंकि विलंब हो रहा है जो है FIR दर्ज करने में, गिरफ्तारी होने में, तो इसीलिए जो है तक भी जो है पुख्ता हो रहा है, लोगों के मन में तमाम आशंकाएं हैं। और ये जो घटना घटी छोटी दिवाली की रात को गरिमा जी, देखिए ये अचानक नहीं घटी, 3 बार वहां पहले इस प्रकार की घटना हुई थी, भले ही वो छोटी मात्रा में थी। उस समय आप क्यों नहीं जागे? जो मॉनिटरिंग एजेंसी है NHAI, तो वो कहां सो रही थी आप बताइए ना, उसका तो अता पता जो है लग ही नहीं रहा था। और जो ये 41 मजदूर वहां फंसे, ये इसका सबूत है कि 41 मजदूर हैं जो वहां 17 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझते रहे। उनके साहस को, उनके धैर्य को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, उनके परिजनों के भी धैर्य को, जिन्होंने बड़े ही साहस और हिम्मत का परिचय दिया। और इसके साथ जो रेड माइनर्स की टीम है, ये तो देश के नए हीरो बनकर के सामने आए हैं। आप देखिए ये यहीं थे, अगर इनको पहले जो है याद किया जाता, 36 घंटे का समय उन्होंने मांगा और 27 घंटे में ही उन्होंने जो है टास्क को फतह कर लिया। और जो है जो खुशखबरी पूरा देश सुनना चाहता था, देखना चाहता था, वो जो है हमें मिली। तो इसने एक चीज और साबित कर दी कि जो हमारे परंपरागत तौर तरीके हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग में जब मशीनी युग है, जब जो है तकनीक का युग है, जब विज्ञान का युग है, उस समय भी जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो पुराने बुजुर्गों की जो एक देन है, आप समझे, जो उनकी रिसर्च है, देखिए ना, उन्होंने कुदाल से, छोटे छोटे फावड़ों से जो है हाथ से ही जो है इस करिश्मे को करके दिखा दिया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि भाई विकल्पों पर गंभीरता से सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। सरकार कह रही थी साहब जो है विपक्ष का काम जो है आरोप लगाने का है। अरे भाई आप देखिए, शुक्र है भगवान केदारनाथ जी और बाबा बद्री विशाल का कि ये 2 किलोमीटर का अंदर ये टनल थी, टनल के अंदर स्पेस था, मजदूर सुरक्षित रहेंगे। अगर ये घटना ऐसी जगह पर होती कि जहां टनल ना होती, जहां बचने का कोई स्थान नहीं होता, तो आप समझिए ना कि 17 दिन में ये जिंदगियां महफूज होती, कितना कठिन था। वहां पर आपको घंटों के अंदर जो है ऑपरेशन को फतह करना होता है। सरकार अपनी पीठ भले ही थपथपा ले, लेकिन इस घटना ने कई सवालों को जन्म दिया कि जो कंपनी लगातार मनमाने तरीके से काम कर रही थी, जो गुणवत्ता के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही थी, जहां पर स्टील के एंगल लगने चाहिए थे वहां 20 mm के सरिये का जो है आप उपयोग कर रहे थे, जहां कंक्रीट की ब्लॉकिंग होनी चाहिए थी वहां पर कंक्रीट की ब्लॉकिंग नहीं हो रही थी, जहां पर जो है यानी लापरवाही बड़े स्तर पर थी। आप ये कहना चाहते हैं लापरवाही बड़े स्तर पर थी? नहीं नहीं, दिखे ना गरिमा जी, लापरवाही बड़े स्तर पर थी, ये मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ। ये जो है हमारे प्रदेश के ही नहीं, देश के बड़े जियोलॉजिस्ट PC नवानी जी, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रह चुके हैं, उन तक ने कहा कि ये कोई देवी आपदा नहीं है भाई, ये जो है सिस्टम की लापरवाही है। और तमाम जो है विशेषज्ञों ने यही कहा। अजय बियानी जी ने जो है, मैं कई डिबेटों में सुनना था, इनका लंबा अनुभव है पर्यावरण और हिमालय पर, इन्होंने कहा कि जो ये राहत बचाव का काम चल रहा है, ये जो है इसके दूसरे छोर से अगर पहले दिन से शुरू होता तो इसमें इतना समय नहीं लगता। लेकिन ऐसे विशेषज्ञों से आपने शुरू में जो है सलाह मशविरा करना उचित नहीं समझा? हमारे प्रदेश में तमाम विशेषज्ञ हैं, रत्न हैं, आप देखिए आप उनका उपयोग करेंगे तभी तो जो है ना समय पे काम आएंगे। और इस जो राहत और बचाव अभियान ने देश के आपदा प्रबंधन की पोल भी खोली है। और हमारे प्रदेश के पास आप बताइए नहीं, 4.5 किलोमीटर की टनल बन रही है, जिस कंपनी की जिम्मेदारी है
ना तो उसने वहां पर यूम पाइप डाला जो टनना चाहिए था, जो स्केप टनल बनानी चाहिए थी जो डीपीआर में मौजूद है, आपने वो स्केप टनल नहीं बनाई, आपने एग्जिट का क्या इंजाम करा था बताया ना, छोटी सी गाड़ी जिसमें 10-20 सवारी बैठती है उसमें भी इमरजेंसी डोर होता है, और इतनी बड़ी जो है आप बताइए टनल में कोई इमरजेंसी जो है एग्जिस्ट नहीं, कितना गंभीर मामला है। तो लापरवाहियां एक स्तर पे, बिल्कुल बिल्कुल लापरवाहियों को लेकर देखिए अभी हमारे साथ में, ठीक है ठीक है शिषपाल जी आपके पास लौटेंगे, देखिए लापरवाही क्या कुछ हुई आज उस पर भी हम बयाने साहब से बात करेंगे, एके बयाने साहब हमारे साथ में बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में हेमा भंडारी जी है, उनकी एक राय लेते हैं उसके बाद जाएंगे बयाने साहब के पास में। हेमा जी, आम आदमी पार्टी ने भी कुछ ऐसी ही मांगे की है, कांग्रेस पार्टी की ही तरीके की बात आपकी ओर से भी की गई कि भाई ऐसी गलती कैसे हो गई इसको लेकर बात करिए ना कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। जी गरिमा जी, क्योंकि इस समय सवाल तो उठने ही जायज हैं, अभी जब श्रमिक फंसे हुए थे सबसे पहले तो मैं जी रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम को बहुत बहुत जो है धन्यवाद है, और जो श्रमिकों को सही सलामत बाहर निकाला, जहां विदेशी मशीनें काम करनी बंद कर दी, और जो मोदी सरकार जो भाजपा की सरकार है तो वो तो माहिर ही है अपना पीठ थपथपाने में कि अब उन्हें दिल्ली भी बुलाया जाएगा, मोदी जी उनकी पीठ थपथपाएंगे, अपना सारा जो अगर गलती होती है तो वो दूसरे पे फोड़ देते हैं, लेकिन अब अच्छा काम हुआ है तो वो अपनी वाहवाही लूटेंगे, यहाँ पर वो राजनीति करेंगे। अभी तक जो है विपक्षी दलों को कहा जा रहा था कि राजनीति ना करें, अब ये पूरी राजनीति करेंगे और कल से ही वो राजनीति करने में शुरू हो गए। सबसे पहली बात कि सबूतों को मिटाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल माहिर है, सबूत मिटाने का काम इन्होंने अंकिता भंडारी केस में भी किया, रातों रात बुलडोजर बिल्कुल धामी जी लगा कि बिल्कुल एकदम से परमिशन दी कि बुलडोजर चलाओ है, और अब भी इन्होंने सबूत मिटाने का काम किया है। अभी तक सबसे पहला सवाल तो यह है कि सार्वजनिक छुट्टी के दिन भी उन श्रमिकों को लगाया हुआ था, क्या कारण था, ऐसी क्या सूझ रही थी कि सब लोग दिवाली मना रहे हैं और श्रमिकों को काम पे लगाया हुआ है। दूसरी बात कि पहले जब ये घटना घटती है उसके बाद जो है बताया जाता है कि 40 मजदूर थे, 3 दिन बाद पता चलता है 41 मजदूर थे, तो यानी कि संस्था जो है उसके पास डाटा ही नहीं था पूरा, मतलब पूरा जो मामला है ये भ्रष्टाचार का मामला है। अभी मैं कल की आपने ठीक है यानी भ्रष्टाचार का भी इसमें आपने बड़ा नाम जोड़ा है, कल जो है धामी जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धामी जी ने मुंह से खुद ही बोल दिया कि वहां पर स्टील के शटर गटर मिले, सीमेंट का गटर मिले, अरे जब भू संकलन आया था तो वहां तो वो मिलना चाहिए था मलबा, ये कहां से मिल रहा है शटरिंग, ये लोहे के ये जाले ये स्टील के ये कहां से आ गए, ये सीमेंट कहां से आ गया। तो ये साफ है कि 2 मजदूरों ने जब शुरू में कहा था वो अब तक नजर नहीं आए, उनको पता नहीं कहां भेज दिया गया है, उन्होंने कहा था गलत हो रहा है, समय से पहले शटरिंग इन्होंने हटाई है, वो शटरिंग गिरी थी, इन्होंने उसको भूस्खलन का नाम दे दिया। ये इसमें इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है जो ये छुपाने में लगे हुए हैं और जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और अभी तक जो है सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने एफआईआर दर्ज की नहीं थी, छोटे छोटे केसों में एकदम से एफआईआर हो जाती है, इतना बड़ी दुर्घटना घट जाती है उसमें एक भी एफआईआर अभी तक किसी भी जिस अधिकारी ने शटरिंग को समय से पहले हटाने का काम किया, जिसने आदेश दिए उसके खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर हुई। तो ये सारा का सारा जो है बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं इसमें, ये छोटी बात नहीं है, और इसे जिसको बचाने का काम कर रहे हैं ना ये बड़े बड़े जो कहते हैं ना पूंजीपतियों को बचाने का, लालाओं को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, और वही आज कर रहे हैं, ये इस बात को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है जो भ्रष्टाचार हुआ है, आज जो है हमारा पहाड़ जो है ऐसे बारूद के ढेर पर खड़ा है, आज हम कैसे अपने आप को सुरक्षित माने, किस तरह से हम सुरक्षित मानेंगे, हम सुरक्षित ठीक है ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि कई जगहों पर घोटाले और भ्रष्टाचार हुए जिसके चलते इस तरीके की स्थिति हुई, अवहेलना की गई है। ठीक है ठीक है ठीक है, डॉक्टर ए के बयाने साहब हमारे साथ में लगातार बने हुए, पूर्व प्रोफेसर हैं, भूवैज्ञानिक विशेषज्ञ भी हैं, बयाने साहब स्वागत है एक बार फिर से आपका के न्यूज इंडिया पर। बयाने साहब, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, कई बार आप हमारे साथ डिबेट्स में भी जुड़े हैं इस मुद्दे को लेकर, आपने यही कहा कि देखिए कहीं ना कहीं चीजें हुई, खैर अब रेस्क्यू पूरा हो चुका है, लोग सुरक्षित बाहर आ चुके हैं, अब वक्त आ चुका है जब उन चीजों को लेकर उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए कि आखिर ये हुआ कैसे था। आपको क्या लग रहा है, विपक्षियों ने कहा कि यहां पर भ्रष्टाचार बहुत बड़ा हुआ, समय से पहले एक स्लिप की अगर शटरिंग हटाई गई तो वो ही यहां पर गिरा, भूस्खलन नहीं था, ये भूस्खलन का इसको नाम दिया गया, जो निर्माण कार्य करा रही कंपनी थी उसका भ्रष्टाचार उजागर हुआ
और अब क्या आपको लग रहा है कि ये सब कुछ जो हुआ इसी के चलते हुआ? और एक बात अभी और निकलकर सामने आई थी कि कितनी लंबी सुरंग बनाने की आप तैयारी कर रहे हो, एमरजेंसी एग्जिट क्यों नहीं बनाया गया था? देखिए इस पूरे प्रोसेस को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कई जगह लापरवाही तो नजर आती है। जैसे अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके पास में हॉस्पिटल होना चाहिए, तो मुझे कहीं दूर दूर तक हॉस्पिटल नहीं दिखा। फिर आप जब टनल बना रहे हैं या डैम बना रहे हैं तो वहाँ पे स्केप के प्रोविजन होते हैं, और इस टनल में स्केप का प्रोविजन भी नहीं था कि भाई कल से कोई दुर्घटना होती तो कहाँ से लोग निकलेंगे। जबकि ये सामान्य प्रक्रिया है कि जब भी कोई टनल बनती है, कहीं खुदाई होती है, तो निश्चित रूप से आसपास की चट्टानें गिरती है, और ये सारी चीज़ें इसमें इग्नोर करी गई। और इसके अलावा जो मुझे लगता है सबसे बड़ा इसमें इग्नोरेंस हुआ है कि कोई भी घटना एकाएक नहीं होती है, उसके पीछे क्या होता है कि एक ग्राउंड तैयार होता है, और यहाँ पे ग्राउंड तैयार होने में कुछ समय जरूर लगा होगा। कि जैसे आपका मटेरियल एकाएक नहीं गिरेगा, मटेरियल गिरने के पहले उसमें कहीं क्रैक्स आएंगे, फिर स्वेलिंग होगा, स्वेलिंग होने के बाद थोड़ा सा मटेरियल निकलना शुरू होगा, पानी रिसाव होगा, ये सारे की सारी चीज़ों के सिम्टम्स जो है वो इग्नोर करे गए, ये मान के करे गए होंगे कि यार ये तो चलता रहता है या ये तो होता रहता है, परंतु इन चीज़ों को लाइटली लिया गया और उन सबको इग्नोर करा तो एकाएक फिर वो बस्ट होता है। और बस्ट होने के बाद फिर असेसमेंट होना चाहिए था कि भाई जो मटेरियल गिरा है, अब शुरू में कहा लैंडस्लाइड है, सबसे लैंडस्लाइड का मामला नहीं था, नहीं सस्पेंस का मामला था, ये वो वहाँ पे कोई वीक जोन था और वीक जोन से मटेरियल निकला, और मटेरियल निकला तो वो चंकर पत्थर निकले जैसा बताया गया है, वो ग्राउंड स्पीडिंग का केस है, मटेरियल है वो ऊपर से पूछा मतलब वो निकलता है, और इसके बाद राग बस्ट होना शुरू हुआ। तो ये अप्रत्याशित नहीं है, ये सारी चीज़ें प्रत्याशित होती है, और इसके साथ ही हमें इन चीज़ों को टैकल करने के लिए सेफ्टी मेजर उसी स्तर के लिए जाते हैं जिस तरह की आप यहाँ पर खुदाई कर रहे हैं, तो वो कहीं कहीं वो सारी चीज़ें इग्नोर हुई है। और दूसरी चीज़ ये कि अभी जैसे मैं डिबेट देख रहा हूँ और अखबारों में भी देख रहा हूँ, सब जगह देख रहा हूँ, लोग कहते हैं कि ब्रेक माइनर्स ने बहुत अच्छा काम करा, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, पर जो मशीन का काम था वो मशीन ही कर सकती थी, रेड माइनर्स नहीं कर सकते थे। हम रेड माइनर्स की बहुत तारीफ करते हैं, उन्होंने ऐसे संकटमय वातावरण में या रिस्की वातावरण में काम कर रहा है, परंतु देखिए होता क्या है, जब कोई चीज़ गिरती है तो वो एक कोन बनाती है, और कोन में सबसे ज़्यादा प्रेशर कोन के बीच में रहता है, ना कि दोनों कोने पर। और जब वो कोन काटने की बात आई तो वो मशीन ही काट सकती थी या वो मशीन ही हटा सकती थी वहाँ का मलबा, वो प्रेशर को मशीन ही झेल सकती थी, कोई दूसरा नहीं झेल सकता था। तो रेड माइनर्स ने बहुत अच्छा काम करा, क्योंकि वो उस डेंजर जोन जहाँ पे पूरा प्रेशर लग रहा था वहाँ से वो निकल चुके थे, वो एरिया हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके थे, और उसके बाद रेड माइनर्स ने काम शुरू करा तो वो सफलता मिलनी थी और वो मिली भी, इसलिए रेड माइनर्स को भी धन्यवाद और मशीन को हम इग्नोर नहीं करें, ये मैं कहना चाहूँगा। ठीक कहा कि देखिए कई जगहों पर गलतियां हुई और जो सेफ्टी मेजर्स फॉलो किए जाने चाहिए थे शायद उस हद तक नहीं किए गए, इसी के चलते ये बड़ा हादसा हुआ। रविंद्र जी आपने सबको सुन लिया होगा और लगभग हर किसी ने सब पर सवाल ही उठाए हैं। देखिए ये तो आप भी स्वीकारेंगे कि सर कहीं ना कहीं गलती हुई तभी यह हादसा हुआ, और ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी जिसको आप ये कहकर टाल दें कि हाँ इसके वजह से हमको वक्त हो गया। कहीं ना कहीं एक निर्माण कार्य चल रहा है, उस निर्माण कांड में कहीं गड़बड़ी हुई, घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार था, सेफ्टी मेजर्स का ठीक तरीके से पालन नहीं किया गया, स्वीकार करेंगे इस बात को? अनम्यूट कीजिए रविंद्र जी, अनम्यूट कीजिए। देखिए गरिमा जी ये सब जांच के विषय है, सत्ता पक्ष में होने के नाते हमारी सरकार होने के नाते मैं कोई बयानबाजी ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहता। सत्ता पक्ष में होने के नाते ही तो आप ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ ये बात है, शायद इसी वजह से तो स्वीकार नहीं कर पा रहे, वरना विपक्ष में बैठे हर एक शख्स ने तो यही कहा है। विपक्ष में देखिए, जब हम विपक्ष में भी होते हैं तब भी गैर जिम्मेदाराना कभी हम बयान नहीं देते। नहीं लेकिन लेकिन मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछूं, अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते सवाल का जवाब मत दीजिए सर, उत्तराखंड के नागरिक होने के नाते आप बताइए, कोई भी निर्माण कार्य हो रहा है, अगर एक मकान बन रहा है उस दौरान अचानक सिलेंडर गिर जाता है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं जब स्लैब ढाली गई उस दौरान कोई गलती हुई। गरिमा जी मैं सिर्फ आपसे एक 10 सेकंड लूंगा, नहीं मैं आपको पूरा वक्त दूंगी, मैं आखिर में आई आपके पास कहानी समझा के। ऐसा होता है एक मोहल्ले में सोसाइटी में गली में 10-12 परिवार रहते हैं, किसी की सीढ़ी बनी हुई है, बच्चे छोटे खेलते हुए खेलते खेलते जैसे गिरते हैं बच्चे,
तो कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जो इल्जाम लगाना शुरू करते हैं, देखा गलत सीढ़ी बना रखी है, बच्चों को गिरने के लिए बना रखी है। सर बहुत ही घटिया एग्जाम्पल आपने दिया है, माफी चाहती हूँ, बहुत ही घटिया एग्जाम्पल आपने दिया है, मैं माफी चाहती हूँ कि मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ये मजदूर वहां खेलने नहीं गए थे सर, एक परियोजना के लिए काम कर रहे थे। जब हम अपना घर बनवाते हैं उस दौरान भी अगर कोई मजदूर हमारे घर पर काम करने के लिए आता है तो हमारी एक जिम्मेदारी होती है, अगर आप लेबर लॉ को ठीक तरीके से समझते हो तो। देखिए हमने सबकी बातें ध्यान और, से नहीं नहीं मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी, मैं आपको सबसे ज्यादा वक्त दूंगी, सत्ता पक्ष वालों को मैं वैसे भी ज्यादा वक्त देती हूँ, जवाबदेही तो आपकी है, ये सब तो सवाल उठाएंगे, लेकिन आप अगर ऐसी बात करेंगे, ये एग्जाम्पल आप ऐसा उदाहरण देंगे तो मैं कैसे आपको ना रोकूं। आप उसका जवाब भी नहीं सुनेंगे तो आप बोलते हैं, मैं जो गलत बात है वो मैं आपको बोलने ही नहीं दूंगी। सुन लीजिए ना आप गरिमा जी, आपके कहने से नहीं होगा ना, मैं बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, आपके कहने से नहीं होगा। आप प्लान ए प्लान बी प्लान सी पे काम कर रहे हैं, आपका आपका काम ही सिर्फ नैरेटिव फैलाना है, तो आप फैलाइए, मैं चुपचाप सुन रहा हूँ। नहीं सर मैं नैरेटिव फैलाने का काम नहीं कर रही, सर मैं नैरेटिव फैलाने का कोई काम नहीं कर रही, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, आप उत्तराखंड के नागरिक होने के नाते बताइए गलती है कि नहीं है। आपने एग्जाम्पल दिया कि बच्चे अगर खेलते हुए गिर जाते हैं तो पड़ोसी उसमें अलग अलग तरह की बात बताते हैं, बच्चे खेलने नहीं गए, बच्चे खेलते हुए गिर जाएं, और अगर एक बोरिंग होती है उसमें बच्चा गिर जाता है तो उसमें उस बोरिंग कराने वाले की गलती होती है सर, वो खेलते खेलते नहीं गिर गया, बच्चे का खेलना गलत नहीं है, बोरिंग होल को खुला डालना गलत है। गरिमा जी मैं आपको बिल्कुल आराम से सुन रहा हूँ, मैं भी आपको आराम से सुन रही हूँ, लेकिन आपकी बात ना सुने तो आप इल्जाम लगाने लग जाते हैं सर, ये ढर्रा छोड़ दीजिए। हाँ बोलिए आप बोलिए, आप बढ़िया बात बताइए। नहीं नहीं आप बोलिए बोलिए सर बोलिए आप। नहीं, मैं सुन रहा हूँ गरिमा जी, ये सवाल का जवाब नहीं होगा, या तो आपके पास सवाल का जवाब नहीं होगा तो आप कह रहे हैं कि मुझे बोलना नहीं है, मैंने सीधा सवाल किया था आपसे, बताइए आपको लगता है कि जिम्मेदारी है, और ऐसा तो नहीं है कि उसमें सरकार पर कोई बहुत बड़ा सवाल उठ जाता, अरे पहले तो जो निर्माण कार्य करा रही एजेंसी थी उस पर सवाल उठता, आप उस पर भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, मैंने तो आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया था, कहीं ना कहीं गलतियां हुई जो कंपनी निर्माण करा रही थी, क्या गलती नहीं हुई बताइए आप, अगर आपको आपसे गलती हो रही है मैं माफी के साथ कह रहा हूँ, गरिमा जी आपको बोलना चाहिए भाजपा जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, ठीक है ठीक है, रविंद्र जी आपको जो बोलना है बोलिए, आप हमारे मेहमान है, हमने आपको बोलने के लिए बुलाया सर, विकास कौन कर रहा है और विकास के रास्ते विघन कौन बन रहा है ये जनता जानती है सर, बिल्कुल, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा ना, आप बीजेपी के प्रवक्ता है तो जवाब दीजिए, ठीक है शिषपाल जी, शांति प्रसाद जी आप शांत हो जाइए, रविंद्र जी आपको जो बोलना है जल्दी से बोलिए। मैंने आपसे ये पूछा था 2014 से पहले कांग्रेस पूरे देश भर में थी, कोई एक ऐसा उदाहरण हमें बता दीजिए, कोई ऐसा ऑपरेशन बता दीजिए, रेस्क्यू अब सर फिर आप यही बात कहेंगे, आप फिर प्लीज शांत मुझे बताइए ना, रविंद्र जी रविंद्र जी मेरी बात सुनिए, हाँ ठीक है सवाल खड़ा होता नहीं गरिमा जी, सुन ठीक है सवाल खड़ा करना है तो अपना कोई उदाहरण देना पड़ेगा, आपके उदाहरण है, देखिए दूसरी पार्टी को तो मैं कहता नहीं, मैं कांग्रेस से जरूर पूछूंगा, 2014 से पहले लगातार देश में थी, इस देश ने भोपाल गैस कांड जैसा वो आपके अभी देखा है जब एक रात में 15,000 लोग मर गए थे, हाँ। एक आदमी का बचाने नहीं गया था, जब कंप्लीट कर लीजिएगा मुझे तब बताइएगा, मैं तब आपको रोकूंगी, अब सिख दंगे के नाम पे एक आदमी नहीं गया था बचाने का, आप मुझे कोई एक बता दीजिए, आपको मैं मान जाऊंगा अगर इनके पास है, हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकती कांग्रेस, ठीक है अगर ठीक है ठीक है रविंद्र जी हो गया, लेकिन अगर एक और मैं आपको अभी 2014 के बाद से शिषपा जी प्लीज बीच में नहीं, अभी मैं आती हूँ पहले उनको कंप्लीट करने दीजिए, गरिमा जी आप नहीं करेंगे ना इस विषय पे बात, आप पूछिए इनसे, नहीं नहीं सर रविंद्र जी रविंद्र जी रविंद्र जी आप मेरी बात सुनिए, आपने अपना सवाल कंप्लीट कर लिया ना, आपको जो पूछना था, पहली बात कि आप यहाँ बैठे हैं मेरे सवालों का जवाब देने के लिए ना कि उल्टा मुझसे सवाल करने के लिए, और दूसरी बात यह कि आपने कांग्रेस से सवाल किया कि भाई 2014 के पहले इन्होंने कैसा रेस्क्यू किया था, हम रेस्क्यू को लेकर बात कर चुके, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आज की हमारी डिबेट इस बात पर हो रही है कि इस गलती से हमने क्या सीखा है सर, और मैंने आपसे एक सवाल किया था जिसका जवाब अब तक आपने नहीं दिया, आप एक उदाहरण दे रहे थे जो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता, कम से कम इस स्थिति में इस डिबेट में बिल्कुल फिट नहीं बैठता सर, जिसके लिए मुझे आपको रोकना पड़ा,
अब आप बताइए, मैंने आपसे सीधा सवाल दोबारा मैं आपसे कर देती हूं कि क्या जो एजेंसी निर्माण करा रही थी उसकी गलती नहीं रही? नहीं मानेंगे आप? अरे इतना सब कुछ हो गया, 17 दिनों तक आप रेस्क्यू कराते रहे, प्रशासन की भी किरकिरी हुई, सत्ता पक्ष की किरकिरी हुई, आप नहीं मानते कि उसकी गलती थी? आप मेरी बात सुन लीजिए। हाँ मैं आपकी सुनूंगी, बताइए, लेकिन सवाल का जवाब दीजिएगा, मुझसे उल्टा सवाल मत करिएगा सर। आप जैसी जागरूक पत्रकार बिल्कुल ये सवाल उठा सकती है, विपक्ष का काम तो है ही उठाना। तो क्या आप बताइए बगैर जांच के किसी को सजा सुनाने का हक मेरा है? हमने कब कहा आप सजा सुनाइए? चाहे कंपनी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी हो, किसकी भी गलती है, जांच का काम तो जांच एजेंसी करेगी ना। जांच एजेंसी को पहले ही दिन से, तीसरे दिन से माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया था जांच होगी, और ये पूरा का पूरा कार्य अब अपने हाथ में राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था, बचाओ टनल का पूरा काम, और उसके अंदर जांच के विषय को लेकर पूरी टीम गठित कर दी थी। अब उस जांच के रिपोर्ट को आने की प्रतीक्षा तो करें। ठीक है, ठीक है रविंद्र जी, ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं मैं भी उस बात पर, आप जो बात कह रहे हैं मैं भी उस बात को कह रही हूं। आप कह रहे हैं कि भाई सरकार ने पूरी जिम्मेदारी ले ली रेस्क्यू की, मैं उस बात को खुद सराह रही हूं कि हाँ सरकार, क्या केंद्र सरकार से भी बराबर मदद मिलती रही, खुद प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी से अपडेट लेते रहे। सर हर बार हर एक सवाल को अपने ऊपर हमले के तौर पर लेना ठीक थोड़ी होता है। मैं तो सरकार से सवाल भी नहीं कर रही ना, जो एजेंसी निर्माण कार्य करा रही थी, आप एक आम व्यक्ति होने के नाते क्या इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते? अरे बीजेपी के प्रवक्ता होने के साथ साथ आप एक आम व्यक्ति भी है ना, आप उत्तराखंड की जनता भी हैं, क्या उस लिहाज से आपके मन में ये बात नहीं आती कि आखिर ये कैसे हुआ? बिना किसी की गलती के तो ये नहीं हो सकता ना सर। नहीं बिल्कुल, इस बात का बस इतना सा तो सवाल था, लेकिन आप इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं इसी बात पे आ रहा था, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, मैं यही तो कह रहा हूँ, इस बात को मैं कब मना कर रहा हूँ? मैंने यही तो कहा, सत्ता में होने के नाते हमारा काम जो भी दोषी है उनको सजा देना है, लेकिन आप अगर जिसे दोषी कहे मैं आपकी हाँ में हाँ भर दू, तो देखिए मैं ये काम नहीं कर सकता ना, मैं जांच एजेंसी तो नहीं। ठीक है, ठीक है, नहीं बिल्कुल, और मैंने किसी को दोषी नहीं कहा, मैंने दोषी उसको कहा जो निर्माण कार्य करा रही कंपनी है, और वो कौन है ये आप जान सकते हैं बेहतर, और उसी की गलती हो सकती है सर, इन मजदूरों की गलती नहीं रही होगी कि ये जाकर उस एरिया में फंसे होंगे। 17 दिनों तक इनकी जिंदगी और मौत के बीच जो जंग लड़ी गई है वो हम सब ने देखी है, और आपने भी बखूबी देखी है मुझे लगता है ये कम से, और आपने जो उदाहरण दिया उसके बाद आप खुद भड़क रहे हैं, क्या ये उदाहरण फिट बैठता है सर? कम से कम सोचिए, आप हमेशा बैठते हैं डिबेट में और इस तरीके का उदाहरण बिल्कुल फिट नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। शीशपाल जी कुछ कह रहे थे, शांति प्रसाद जी, शीशपाल जी आपके पास आएंगे, शांति प्रसाद जी कुछ कह रहे हैं। देखिए गरिमा जी, हाँ, इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद अगर कार्यदायी संस्था का, अगर मुख्यमंत्री जी कह देते कि इनसे काम छीन लिया गया है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, हाँ, और उस कंपनी के मालिक का एक शब्द ना बोलना इस घटना में, ये साबित करता है कि वो कमीशन देकर काम पाया हुआ है, इसीलिए वो बेधड़क होकर जो है इस भावनाओं को उत्तराखंड की कुचल रहा है। मगर सरकार जब कुछ बोलेगी नहीं तो हम बोलेंगे ना भाई, और इनका नाराज होना जायज बनता है। इनको सिर्फ यही ट्रेनिंग दे रखी है, मोदी मोदी जहां फंसे मोदी मोदी, अब आपने इनसे तीखा सवाल कर दिया तो लगे आपको गरियाने, ये तो आजकल टीवी चैनल पर लट लेके बैठते हैं, हम जरा सा बोल दे तो हमारे ऊपर मुकदमे, और इतनी बड़ी कंपनी ने इतनी बड़ी लापरवाही कर दी, हाँ। बिना बीमा के मजदूरों से काम ले लिया, उस पर ये कुछ नहीं है, उस पर जांच होगी, जांच फिर पुलवामा वाली होगी कि पता ही नहीं चलेगा उस जांच का हो क्या रहा है, तो ये राजनीतिक रूप से आकंठ भ्रष्ट और बेईमान पार्टी साबित हो चुकी है, इस कारण आज ये जो है उत्तरकाशी वाली घटना में कुछ नहीं बोले। और आप बताइए कितना प्रेम मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को और प्राइवेट कंपनी के लिए, अरे भाई प्राइवेट कंपनी का मालिक यदि रेस्क्यू के लिए आपने राहत मांगता तब हमें लगता कि भाई सरकार ने उसकी मदद करी, ना तो उसने राहत मांगी ना उसने सरकार को कहा कि मेरी मदद करो, हाँ भैया उसने कमीशन में काम करा, हुआ हुआ नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, आपके पास लौटते हैं, देखिए बड़े आरोप भ्रष्टाचार के लग रहे हैं, ठीक है आपके पास, ठीक है ठीक है, बयानी साहब के पास एक बार फिर से जाएंगे, ठीक है शांति प्रसाद जी, ठीक है लौटेंगे, बयानी साहब के पास जाएंगे। बयानी साहब देखिए भ्रष्टाचार की बात निकल कर सामने आ रही है, और अगर सामान्य रूप से भी देखें तो देखिए गलतियां तो हुई तभी इतनी बड़ी चीज हुई, ऐसे ही नहीं हो जाता कुछ भी। और बयानी साहब आपको लग रहा है क्योंकि उत्तराखंड में विकास के नाम पर बहुत कुछ, बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो अभी लंबित हैं, जिनमें कार्य होना है, मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि अब सबकी जांच होगी, पहले दोबारा से उनको क्रॉस चेक किया जाएगा, इसके बाद ही परियोजना
योजनाओं में काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि 66 टनल्स अभी और बननी है। अब किसी भी टनल में ऐसी कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर क्या सख्त होना चाहिए सरकार को, क्या जो सेफ्टी मेजर से उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना चाहिए। बिल्कुल सख्त होना चाहिए। और मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा कि सन 99 में मोनब्लैक स्विट्जरलैंड में एक टनल थी, और उस टनल के बीचों बीच एक ट्रक एक्सप्लोड हुआ था, और ट्रक एक्सप्लोड होने से जो आने इधर से उधर से आने वाली जो गाड़ियां आपस में टकराई, तो उसमें 34 लोग वहाँ पे जल के मर गए थे। और उसके बाद ये हुआ कि कुछ ही दिन बाद सरकार ने जांच करके 16 लोगों पे मुकदमा शुरू करा, और उसमें 2005 में जाके 9 लोगों को सजा हुई थी। और इसके उस मुकदमे में कौन था, ड्राइवर भी था, ट्रक ड्राइवर भी था, और जो जिसने टनल बनाई उसका इंजीनियर भी था, उसका मैनेजर भी था, उसके बाद उसमें जो कंसल्टेंट थे वो भी थे, और उस सिटी का जहाँ पे ये दुर्घटना हुई वहाँ के मेयर भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने सारे लोगों को इन्वॉल्व करा इसमें सजा देने के लिए। तो 2005 में जब सजा हुई तो कंपनी से $2 करोड़ का फाइन हुआ, प्लस 9 लोगों को सजा हुई। बिल्कुल, देखिए सख्त रवैया अपनाना होगा, नहीं तो फिर इस तरीके की चीजें जो है वो लगातार बनी रहेंगी, और हम नहीं चाहते कि ऐसे किसी की भी जान जोखिम में पड़े, वो कोई भी हो सकता है। क्योंकि और जिस तरीके का यहाँ पर लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, हम सरकार के और रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम रही उन सबकी सराहना करते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर जो लोग इसमें संलिप्त हैं, जिनकी गलती के चलते इतने लोगों की जान जोखिम में पड़ी थी, इन पर भी उतना ही सख्त एक्शन होना चाहिए। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी चर्चा में अपनी बात रखने के लिए। तो पहाड़ जंग हारा और जिंदगी ये जंग जीत गई, बड़ी मेहनत रही रेस्क्यू टीम की, एक बड़ा मनोबल रहा अंदर फंसे श्रमिकों का, जिसके चलते इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सका है। लेकिन अब ये पूरी घटना अपने पीछे कई सारे सवालों को छोड़कर गई है, और वो ये कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था, किसकी लापरवाही थी, किसकी गलती थी, उसकी जांच होनी चाहिए, उन पर सख्त से सख्त एक्शन भी लिया जाना चाहिए। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही, आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।